films. Yeah, absolutely. So, yeah. तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि रेडियो ये मेरी बचपन की यादें हैं. रेडियो पे इतने गाने सुनते थे हम लोग, और आज भी जब मुझे वक्त मिलता है तो पुराने गाने मुझे सुनने को बहुत अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स द न्यू सॉन्ग्स आर आल्सो देयर, लेकिन जो बचपन में सुने होते हैं उनकी एक यू नो यादें ही कुछ और होती है. सो कूडोज टू रेडियो. आई ऑलवेज लिसन टू रेडियो व्हेन आई एम इन द कार, और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस. आपको पता नहीं आप कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की, हाउ यू अफेक्टिंग देयर लाइव्स एंड हेल्पिंग यूनिसेफ डू दैट एंड हेल्पिंग मी ऑल्सो टू गिव माई मैसेज अक्रॉस. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you so much. That was really inspiring. Your words for all the RJs. We now invite the TV channels to come forward for one common bite, which. Madhuri. Good evening. Good evening. Well, first of all, I'd like to congratulate all the RJs and the producers of FM and all private radio stations, because they have helped us take out the message of immunization to the people, and in a very innovative and very creative way. So first of all, I'd like to congratulate all the winners and even the nominations, because they all are winners, you know, in a way. And it's been wonderful. It's wonderful meeting these people who are doing so much for others. I would also like to take this opportunity ke hum un vyaktiyon ko jo dikhai nahi dete samne, jaise Anganwadi workers hain, आशा हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा काम कर रही हैं. हर घर में जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, विलेजेस में जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पे वो चल के जाती हैं और वहाँ पे घर घर में जाके मैसेज देती हैं. तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनको फोर फ्रंट पर लाना चाहूँगी. बिल पता है मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो मुझे पुराने गाने भी पसंद है, मुझे नए गाने भी पसंद है. और एक नई पीढ़ी है, उनका नया अंदाज़ है, और म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू. आई लव म्यूज़िक, तो दोनों ही अच्छे. वेल उसके बारे में बात करूँगी कहीं और. आज हम यूनिसेफ के लिए आए हैं, तो मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि हर फैमिली को कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, टीके लगवाएं, क्योंकि ये लाइफ सेविंग है, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. तो मैं चाहूँगी कि सब ये करें. बिल ये तो करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हो गया तो काम हो गया. यू विल हैव टू कीप वर्किंग एट इट. बहुत सी ऐसे, जैसे मैंने कहा, जगहें हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक हमारा मैसेज भेजना है, और जितने लोगों को हम मदद कर सके उतने लोगों को करें. बस यही सब फैमिली से और सब परिवार से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए अच्छी बात है और बहुत सी बीमारियों से वो बच सकते हैं. तो आप प्लीज़ ये काम ज़रूर कीजिए. Well, there's still a lot to be done on that. So we'll talk when the actually we are doing something. Thank you. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यूनिसेफ क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड क्या है, किस तरह का ये इवेंट है. वेल आज ये इवेंट जो रेडियो जर्नलिस्ट हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने यूनिसेफ की जो सब सुविधाएं जो हमने बनाई हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, तो उनका जो मैसेज है
वो उन्होंने उन लोगों तक पहुंचाया है, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट किया है कि ये सब उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन के लिए एनकरेज किया है और बहुत क्रिएटिव वे में किया है, बहुत हंसी खेल के, यू नो, ऐसा नहीं कि प्रीचिंग टाइप में, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग बना के उसे और क्रिएटिव वे में उन्होंने एजुकेट किया है और बहुत सारे लोगों ने इम्यूनाइजेशन का फ़ायदा भी उठाया उस वजह से. तो उन लोगों को हम आज यहाँ अवार्ड्स दे रहे हैं. कितनी खुशी होती है मैम इतने सर्वोत्तम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई, अक्सर क्या कि अम्मी चीज जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अभी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं. वेल, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हर एक अलग अलग फील्ड में. मैं उनकी चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हूँ, जहाँ बच्चों और औरतों के लिए जब वो काम करते हैं तो आई एम देयर, यू नो, मैसेंजर बेसिकली. ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई थिंग्स जिससे हर एक चाइल्ड के पास होनी चाहिए, इंडियन चाइल्ड के पास, उनके फ्यूचर उनका सिक्योर करने के लिए? वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन और मुझे लगता है सेकंड इम्यूनाइजेशंस, क्योंकि इट्स अ लाइफ सेवर. और बहुत से, मतलब मोर देन 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो भूखे सोते हैं एवरी नाइट, तो उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए. मैम, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एज एन रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो कहीं ना कहीं एक लोगों तक काफ़ी दूर तक मैसेज पहुंच पाएगा? जी हाँ, क्योंकि कहीं, आई मीन, आई एम अ पब्लिक फिगर, लोगों ने मेरी फिल्में देखी हैं, सराहा है, और कहीं ना कहीं उनको एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं. तो जब मैं कुछ कहूँगी तो उसमें कोई अर्थ होगा, कोई मीनिंग होगा, और जब वो देखते हैं कि मैं कुछ कह रही हूँ तो वो मानते हैं उस बात को. और मुझे लगता है इफ़ वी कैन सेव अ फ्यू लाइव्स इन द प्रोसेस तो अच्छा ही रहेगा. बच्चों की बात करो तो रिसेंटली काफ़ी माइनर रेप्स और काफ़ी मोलेस्टेशन के केसेस आ गए हैं इंडियन कल्चर में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा से कुछ ना कुछ होता ही है, सोसाइटी है और जैसे लोग हैं तो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, लेकिन आज लोग बात करते हैं उस बारे में और ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए और जो विक्टिम है उसे विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए. यू नो, वी शुड प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड. मराठी फिल्म में मैम, आपकी अपकमिंग मराठी फिल्म है, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है, क्या है? वेल, अभी हम कुछ बता नहीं रहे उस फिल्म के बारे में, जब हम बात करने लगेंगे तो बताएंगे, लेकिन दिस विल बी माई फर्स्ट मराठी फिल्म. और बॉलीवुड में कब देखने मिलेगा? इतने साल देख रहे हैं और देखेंगे. Social media.